तो हमारे देश के जितने प्रकार के नेता हैं वो सिर्फ लग्गा जो होता है ना सर, लग्गे में पानी पिलाना ताकि जिए भी ना मरे भी ना, बस उसी विधि से उपयोग करते हुए भूमि पूजन करते हैं, काम कम भूमि पूजन ज्यादा करते हैं। आप खुद मैदान में आएंगे क्या? हाँ, हम खुद आएंगे। तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या किसी पार्टी से? हम अभी तो निर्दलीय ही हैं सर। तो किस पद के लिए आप चुनाव लड़ेंगे? हम विधानसभा के लिए लड़ेंगे। विधानसभा प्रत्याशी? त्योंथर विधानसभा। देश हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, जनता हो गई हमारे देश की स्टूडेंट हो गई, और उसका दायित्व नेतृत्व करने की क्षमता जो होता है नेता का वही होता है। तो गाँव में अव्यवस्थाएं जो फैलती है, जब कोई लड़का कोई स्टूडेंट गलत करता, शिक्षक आपकी कहाँ तक पहुँच है? भारत देश में जुगाड़ और पहुँच की बहुत बड़ी विशेषता है, इस हिसाब से यही होता है सर। एक हमारी कविता है, ना शर्म है पीने वाले को, ना शर्म है पीनाने वाले को, जाति मात के मजहब के अपने स्वार्थ की कुर्सी खातिर सबको बांट रहे हैं। वो कविता बहुत लंबी है, कभी अगर, क्योंकि वो पूरा हम कविताएं भी लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके हिसाब से चला जाए और अगर मोदी जी का चेहरा देख के चुनाव ना हो तो क्या स्थितियां होंगी, किन किन भारत देश में? बहुत अच्छा सुधार होगा सर, क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए हमारे घर में आग लगी, एग्जांपल लेते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी तो नहीं बुझाने आएंगे, क्योंकि उनकी योजना यहाँ बुदामा में काम करी यहाँ के कार्यकर्ता, अब दिल्ली से कोई कार्यकर्ता यहाँ करने नहीं आएगा। नहीं तो आपके आपके कहने का ये मतलब है कि मैं पड़ोसी को प्रधानमंत्री बना दूं? युवाओं का मार्ग सिर्फ अभी नशा में है, तो हम जैसे एक हमारी लाइन है, जन जन को जगाना है, घर घर तक पहुंचाना है, शिक्षा और संस्कार को लेकर हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाना है। मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया था, मैं करीब 15 दिन घर भ्रमण किया हूँ, मैं शिक्षा को और संस्कार को मजबूत करने आया था, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ तक आपको पहुँचना पहुँच जाएंगे, और संस्कार एक ऐसी सीढ़ी जहाँ तक आप पहुँचे हुए वहीं बने रहेंगे। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा परिचय धरती पुत्र इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल के नाम से जाना जाता हूँ, इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल नाम है, लेकिन धरती पुत्र धरती अभियान एक हमारा है, उसके लिए उस उपाधि दी गई है। आप मेरा परिचय इतना है, बाकी मैं त्योंथर ही वासी हूँ। अच्छा, हम अगर आपसे ये पूछे जी कि त्योंथर में जो इस समय माहौल बना हुआ है जी जी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह का माहौल जानना चाहते हैं? जैसे कल व्यापक रूप से कई जगह भूमि पूजन होने वाले हैं, हमारे यहाँ भी चौरा घाट में भूमि पूजन सुनियोजित हुआ है जी जी, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे सर। पहला चीज तो चौरा घाट का कई बार भूमि पूजन हो चुका है, और किसी का जन्म एक बार होता है, और भूमि पूजन का मतलब होता है एक बार हो गया तो उसका कार्य का समापन होना चाहिए। योजना है तो उसका लाभ जहां तक पहुंचना पहुंचनी चाहिए। मान लीजिए कोई समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए, आरोप और प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं होता है। नहीं तो समस्या तो ही थी जी जी, कम बजट का था जो फेल हुआ, फिर से नया बजट पास हुआ जी जी, और फिर से भूमि पूजन हो रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको? तो सर जितना बजट आया था उसका तो काम हुआ ही नहीं, अब फिर मान लीजिए उस समाधान हो ही जाता तो काम तो करना चाहिए जितनी बजट था, उसके बाद तो हो ही रहा है, तो जैसे अभी हो गया तो काम रोकना नहीं चाहिए सर, क्योंकि जो योजना है, अगर योजना आई है मान लीजिए उसका वर्ष है 2 वर्ष, और उसको आप 10 वर्ष में कर रहे हो, उसके बीच में जितनी गैपिंग हुई, समस्याएं हुई, उसका समाधान कहाँ से आएगा सर? तो बात ये हो रही है। तो मतलब इस भूमि पूजन से आप क्या समझते हैं? भूमि पूजन से यह समझते हैं कि जब चुनाव का माहौल आता है तो हमारे देश के जितने प्रकार के नेता हैं वो सिर्फ लग्गा जो होता है ना सर, लग्गे में पानी पिलाना ताकि जिए भी ना मरे भी ना, बस उसी विधि से उपयोग करते हुए भूमि पूजन करते हैं, काम कम भूमि पूजन ज्यादा करते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं जी, आपके अपने दृष्टिकोण से इस बार मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? मेरे दृष्टिकोण से मैं जो बोलता हूं कि पार्टी नहीं प्रत्याशी चुनी, मेरा जिस दृष्टिकोण है उसके हिसाब से बोलूंगा सर। आ रहा हूं मैं आपको उसका सवाल, प्रत्याशी को चुनिए, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरा जो होता है उसके नाम से यहां सब वोट लेते हैं, मैंने देखा है, तो उनका चेहरा यहां काम नहीं आएगा, यहां का प्रत्याशी काम कराएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप पार्टी को कम प्रत्याशी मजबूत चुनिए, शिक्षित और समझदार चुनिए। और रही बात सरकार की, सरकार बीजेपी भी आ सकती कांग्रेस, लेकिन चेहरा के ऊपर दायित्व रखेगा किसका कैसा चेहरा है, किसका क्या काम है। तो मतलब प्रत्याशी बेसिस आप चुनाव जी जी चाहते हैं जी। अच्छा, एक सवाल और था जी, जैसे ये बात जो आपने कही कि माननीय नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जी जी, तो मैं नाम नहीं लूंगा, किसी सांसद जी ने ये कहा था जब उनके पास जनता गई जी जी, तो सांसद जी ने कहा था कि क्या आपने हमको वोट दिया है जी,
तो जनता ने कहा जी बिल्कुल, कहे नहीं आपने हमको वोट नहीं दिया, आपने मोदी जी के नाम पे वोट दिया है, तो जो भी काम है आप मोदी जी के पास जाएं, हमें तंग ना करें, ऐसा किसी सांसद ने कहा था। हो सकता है आप वीडियो वगैरह कहीं देखे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपके हिसाब से चला जाए और अगर मोदी जी का चेहरा देख के चुनाव ना हो तो क्या स्थितियां होंगी, किन किन भारत देश में? बहुत अच्छा सुधार होगा सर, क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए हमारे घर में आग लगी, एग्जांपल लेते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी तो नहीं बुझाने आएंगे, क्योंकि उनकी योजना यहाँ बुदामा में काम करी यहाँ के कार्यकर्ता, अब दिल्ली से कोई कार्यकर्ता यहाँ करने नहीं आएगा। नहीं तो आपके आपके कहने का ये मतलब है कि मैं पड़ोसी को प्रधानमंत्री बना दूं? पड़ोसी का नहीं बनाना है सर, हमारा दायित्व जो जहाँ है अपना अपना दायित्व निभाना शुरू कर दीजिए, सारी सारी व्यवस्थाएं मजबूत हो जाएंगे। हमारा कहने का दायित्व ये है ना, पड़ोसी को तो बनाने हम की जनता है, हमने वोट देकर अपना दायित्व निभा तो दिया। फिर एक चेहरे के नाम से वोट नहीं दिया जाना चाहिए, मेरा ये निवेदन है। कैसे कैसे चेहरे के नाम से? वही जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ वोट लिया दिया जाता है, मैं घूम ही रहा हूँ, भ्रमण कर ही रहा हूँ, वहाँ सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी ये योजना लाए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कर दिए, भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है, भारत देश ऐसा कर रहा है, मैं मानता हूँ बहुत कर रहा है। लेकिन आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर में जाएंगे ना, अभी अभी मैं आज घूमी के आ रहा हूँ, ककराहा में एक घटना हुई है, शायद आपको पता है कि नहीं पता है, वहाँ एक आदिवासी का मर्डर हुआ है और उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई, तो उसके साथ ऐसा सोच सकते हैं क्या हुआ। कौन आदिवासी है? अब नाम नहीं पता, बस वही चर्चाएं हो रही थी, इसीलिए मैं ज्यादा कंफर्म नहीं, इसीलिए लेकिन घटना हुई है तभी चर्चाएं हो रही है। चर्चाएं तो बहुत होती रहती है भाई साहब, चर्चाएं तो ये भी है कि चांद पे घर बनेगा, मंगल पे घर तो बनेगा, तो इनमें कितनी हकीकतें हैं। गरीबों के लिए योजना नहीं है, चांद पे तो गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि जो पैसे होते हैं, बिजनेस होता है तो अमीरों का है, वैसे जो चांद की योजना है वो अमीरों के लिए है। चलिए आप आपकी ही बात रखते हैं जी, तो अगली सरकार किसकी चाहते हैं आप? हम युवा सरकार चाहते हैं सर। मतलब आपको आपको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं? आप खुद मैदान में आएंगे क्या? हाँ हम खुद आएंगे। तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या किसी पार्टी से? हम अभी तो निर्दलीय ही हैं सर। तो किस पद के लिए आप चुनाव लड़ेंगे? हम विधानसभा के लिए लड़ेंगे। विधानसभा प्रत्याशी? त्योंथर विधानसभा से। तो मतलब कोई एजेंडा लेकर चल रहे हैं आप? एजेंडा ये है कि जनता को पांच चीज तो चाहिए चाहिए, लाइट व्यवस्था, पानी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोड व्यवस्था। क्या ये अभी मुहैया नहीं हो रही है? 30% मिली हुई है सुविधा, 70% नहीं है। अगर 50 होता तो मैं मान लेता, क्योंकि आप भिगुड़ी चले जाइए, ढखरा चले जाइए, इसी के बगल में गांव और है भटिनिया, उधर चले जाइए। अब ये मेन रोड छोड़ के, मेन रोड शायद 1000 घर को नहीं जोड़ती है तो वो 900 घर को जोड़ती है। जब 900 घर अंधेरे में रहेगा और 100 घर उजाले में रहेगा तो बताइए योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है बात। नहीं तो बिजली योजना का सरकार से क्या लेना देना, जैसे ये तो प्रशासनिक विफलता होनी चाहिए ना। इसीलिए बनाया गया है, जनता ने इसीलिए चुना है कि साहब हम नहीं कर पाते हैं। तो अब विधायक जाके दूसरों के घर में बल्ब जलाएंगे क्या? घर कोई नहीं जलाता है, लेकिन अगर तार नहीं पहुंचा है तो वो पहुंचाना विधायक और मतलब जो प्रशासन होता है उसी की जवाबदारी होती है। जो आपने बिजली व्यवस्था की बात की उसके लिए एक विभाग ही बना है जिसको बिजली विभाग कहते हैं। हाँ तो वही बिजली, तो ये बिजली विभाग की व्यवस्थाएं या कुव्यवस्थाएं हैं, मैं तो आपके ही शब्दों में कहूंगा। जैसे इस समय लाइट से हमारा पूरा क्षेत्र ग्रसित है, हम लोगों को तो अल्टरनेट लाइट मिलती है, एक दिन मिलती है, एक दिन बिल्कुल नहीं मिलती है, और जो एक दिन मिलती है वो भी नाम के मिलती है। मैं उसी का तो जवाब, लेकिन इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराता। मैं मानता हूँ सर, कैसे बताऊँ? बताइए। एक प्रिंसिपल होता है, 10 शिक्षक होते हैं, उसी स्कूल में सारे क्या पढ़ते हैं, देश हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, जनता हो गई हमारे देश की स्टूडेंट हो गई, और उसका दायित्व नेतृत्व करने की क्षमता जो होता है नेता का वही होता है। तो गांव में अव्यवस्थाएं जो फैलती है, जब कोई लड़का कोई स्टूडेंट गलत करता शिक्षक ही समझाता है, ठीक उसी प्रकार नेता भी वही इसीलिए चुना गया है, जितनी अव्यवस्थाएं हैं उसे सुदृढ़ रूप के मजबूत करने के लिए उसका दायित्व होना चाहिए, वो निभाएगा। इसीलिए मैं मानता हूं कि प्रशासन के लिए, और मैंने एक चीज और बोला, कर्मचारी जो होते हैं, आज अगर आप कहीं भी जाइए तो अगर किसी का कुछ भी समस्या हो तो आप आपकी कहां तक पहुंच है, भारत देश में जुगाड़ और पहुंच की बहुत बड़ी विशेषता है, इस हिसाब से यही होता है सर। और नेता का दायित्व यही, क्योंकि नेता सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं चुना गया है, नेता उस क्षेत्र के लिए चुना गया है। मतलब आपके हिसाब से कहा जाए तो क्षेत्र में हो रहे हर कार्य का जिम्मेदार विधायक ही होता है। अगर भारत देश में राजनीति होती है तो हर जगह इन्वॉल्व है, उसी की जवाबदारी होती है। अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मैं खुद भी प्रत्याशी हूँ, खुद भी चुनाव लड़ूंगा, तो अगर आप लड़ गए तो आपसे जनता कैसी उम्मीद कर लेगी?
तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको लगे एक शिक्षा, क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति बोलता है शिक्षा बहुत अच्छे हर जगह शिक्षा के दम पे या चांद पे पहुंचे हैं, मैं भी अपना MBA कंप्लीट करके आया हूं, अगर जिसको लगेगा तो वो बिल्कुल शिक्षित व्यक्ति को चुन सकती है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही ऐसा चीज़ है जो हर मार्ग को भटकते हुए व्यक्ति को ले जाता है, चाहे ज्ञान का शिक्षा हो चाहे हर प्रकार की शिक्षा, हर जगह काम आती है। ये नीचे जेट विमान कैसे जा रहे हैं जी? खैर ये अपना जेट विमान बहुत नीचाई में उड़ रहे थे, ये अपना विषय नहीं है। तो आपने जो बताया, तो मतलब आपको क्या लगता है जनता के बीच में आपकी मतलब हमारा सर कर्म होता है, हम अपना कर्म वही बोला जो हमने बोला है कि सब अपना अपना दायित्व तो समझ जाए शायद, क्योंकि मैं प्रशासन भी अभी आप बात कर रहे थे 50-50 देता हूँ, कुछ कमी ना, एक हमारी कविता है ना शर्म है पीने वाले को ना शर्म है पीनाने वाले को, जाति मात के मजहब के अपने स्वार्थ की कुर्सी खातिर सबको बांट रहे हैं, वो कविता बहुत लंबी है कभी अगर, क्योंकि वो पूरा हम कविताएं भी लिखते हैं। तो आप पूरे विधानसभा का भ्रमण कर चुके हैं क्या? नहीं अभी हम 48 पंचायत किए, 80 दिन हमको पैदल यात्रा होते हुए हुआ, क्योंकि जो लिफ्ट से चल, अच्छा आप पैदल ही चल रहे हैं? हाँ हमारे घर में कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है सर, तो जो हमसे बन रहा है वही मैं कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा इसके पहले आप क्या करते थे? हमारा MBA फाइनल ईयर भोपाल से भी पढ़ाई कर रहा था सर। अच्छा अभी पढ़ाई से डायरेक्ट आप राजनीति में आए हैं। अच्छा आप युवा हैं, एक सवाल मैं अधिकतर लोगों से पूछता हूँ, युवाओं को लेकर इस देश में काफी राजनीति हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर, और हर कोई व्यक्ति चाहे कितना भी वरिष्ठ हो अपने आप को युवा साबित करने में लगा रहता है। सपोज राहुल गांधी जी, जी इतनी उम्र के होने के बाद भी जी युवा बताते हैं, युवा का एक क्राइटेरिया होता है उसका, हाँ 18 से 40 तक जी जी, लेकिन शायद वो 40 से भी ऊपर है, 50 होंगे। हाँ 50 तो मैं अगर बात करूं युवाओं की स्थिति की, तो आपको क्या लगता है राजनीति में युवा कहाँ है? युवाओं का मार्ग सिर्फ अभी नशा में है, इसलिए कि युवाओं को यही सिखाया जाता है बेटा आप पढ़ लिख लीजिए, हर माँ बाप यही सिखाए बेटा आप पढ़ लिख लीजिए नौकरी करिए, और युवाओं का अगर क्षेत्र बोला जाए तो उन्हें सिर्फ गांजा दारू सिगरेट में भटका कर राजनीति की जाती है। अगर आप कहीं भी अगर देख लीजिए, ज़्यादातर हमने देखा है अगर कहीं ये रैलियाँ होती हैं, वहाँ मुझे नहीं लगता आप कभी वहाँ चेक करिएगा तो असलियत में जो दिखती है ना भीड़, वो भीड़ किस कारण आई वो चीज़ आप गौर कर पाए, अधिकतर बुलाई हुई भीड़ होती है जी। तो और युवाओं का जो क्षेत्र है, हम अचानक से इसलिए आए क्योंकि सर हमारे देश के जितने युवा हैं सब भटक चुके हैं, तो हम जैसे एक हमारी लाइन है जन जन को जगाना है घर घर तक पहुंचाना है शिक्षा और संस्कार को लेकर हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाना है। मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया था, मैं करीब 15 दिन घर भ्रमण किया हूँ, मैं शिक्षा को और संस्कार को मजबूत करने आया था, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ तक आपको पहुँचना पहुँच जाएंगे और संस्कार एक ऐसी सीढ़ी जहाँ तक आप पहुँचे हुए वहीं बने रहेंगे, इस वजह से आए थे। लेकिन कई लोगों का विचार बना कि आप इतनी अच्छी सोच है तो आप चुनाव में आइए, मैंने कहा अच्छे लोगों को बहुत कम लोग सपोर्ट करेंगे, अभी इसलिए मैं ऐसे आया हूँ सर, मैं एकाएक राजनीति नहीं है, बस लोगों की कुछ लोगों की वजह से कहने के ऐसे आ गए। नहीं तो मेरा सवाल तो जस का तस है, युवाओं की स्थिति राजनीति में क्या है? राजनीति में सर नहीं है 1% नहीं। अच्छा जैसे मैं अगर आपको बताऊं मंडल प्रभारी, जिला मीडिया प्रभारी, फलाने प्रभारी, विधायक और मिलेगा सर? नहीं नहीं विधायक चलिए ठीक है मैं ये मानता हूँ, जिला पंचायत, लेकिन जब हमारा युवा इतने में ही खुश है तो वो सोच बताए ना सर, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो शिक्षित की व्यवस्था है ना, शिक्षा व्यवस्था है उसको पहला तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी राजनीति में गड़बड़ा दिया गया है, 1 से लेकर 9 तक बच्चे ऐसे पास हो जाते हैं, तो आप सोचिए जब 1 से लेकर 9 तक मान लीजिए मैं कुर्सी पा गया, मैं तो बोलता हूँ हर 5 साल में सरकारी चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसको बैठने की आदत पड़ गई सर ना, जिसे मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ मुझे कोई बाइक में घुमाना शुरू कर देगा तो मैं सोचूंगा मैं पैदल क्यों जाऊँ, इसीलिए मैं मेरे कोई अगर लिफ्ट भी देता है बोलता है मैं घूम लूंगा आपके साथ, मैं निवेदन करता हूँ भैया मुझे गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, अगर चलिए क्योंकि आज हम युवा मेहनत करेंगे बॉर्डर पर, हम लोग रक्षा करने के लिए मेहनत करते हैं भी कर सकते हैं, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं सर, अब मेहनत करना हम सभी क्योंकि आज हम बुढ़ापे में सब थोड़ी ना मेहनत कर पाएंगे, आज जो मेहनत कर पाएंगे वो हम बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज जो मेहनत करनी हम लोगों को करना चाहिए। आपकी सोच वाकई अच्छी है, भगवान करे आप अपनी जो उम्मीद है आपकी अपने आप से उस पे आप खड़े उतरे, इसी शुभकामना के साथ।